नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के 10 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपको बताएंगे। सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। निर्माणाधीन पुल के सरियों पर जा गिरी कार, दो लोगों की मौत और एक की हालत गंभीर, जा रहे थे मनाली। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास एक कार अनियंत्रित होकर फोरलेन के निर्माणाधीन पुल के लिए खड़े किए गए सरियों में जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार राजस्थान की कार नंबर RJ14UK1052 पर सवार तीन लोग मनाली की तरफ जा रहे थे। 7 मील के पास पहुंचते ही कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। जहां पर यह कार गिरी वहां पर फोरलेन के निर्माणाधीन पुल का कार्य चला हुआ है और उसके लिए सरिये खड़े किए गए हैं। यह कार निर्माणाधीन पुल के एक कोने पर खड़े किए गए सरियों पर जा गिरी। स्थानीय लोगों को घटना का पता चलते ही तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और तीनों घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया गया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल ले जाया गया। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सकीनी कपूर ने बताया कि कार हादसे में तीन लोग घायल हुए थे, जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक का इलाज जारी है। गतिरोध खत्म, अब सरकार की सलाह पर होगी कुलपतियों की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्तियों को संशोधन विधेयक पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। अब इन दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की कुछ दिन पहले इस विधेयक पर मंत्रणा हुई थी। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ राज्यपाल ने इस पर सहमति जताई। अब राजभवन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों के अलावा नियुक्ति की संस्तुति करने वाले कमेटी में एक प्रतिनिधि राज्य सरकार का भी होगा। अब तक हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 राज्य के दो विश्वविद्यालयों पर लागू है। यह चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन शामिल है। नौणी से नमहोल तक फोरलेन की जद में आएंगे 252 मकान, होगा अधिग्रहण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फरवरी के अंत तक नौणी भराड़ी घाट फोरलेन के टेंडर की अवार्ड प्रक्रिया को पूरी कर लेगा। करीब 17.5 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन के टेंडर पिछले साल नवंबर में आमंत्रित किए गए थे। इस पर करीब 735 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस फोरलेन की जद में नौणी से नमहोल तक 252 मकान आएंगे। पैकेज नंबर 3 हमीरपुर भगेड़ फोरलेन की भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। इस फोरलेन के अलाइनमेंट DPR को अपडेट करने पर काम किया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष में इसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नौणी से नमहोल तक के फोरलेन के लिए कुल 37.63 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें करीब 18 हेक्टेयर निजी भूमि, 19.5 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। हिमाचल के 11,874 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने लगाई रोक, जाने वजह। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 11,874 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 की किस्त जारी नहीं की है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 7,269 और पोस्ट मैट्रिक में 4,605 विद्यार्थी शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को निर्देश दिए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए बैंक खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने को कहा है। अगर पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि लेने के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे आवेदनों को सत्यापित नहीं करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों, निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों सहित विश्वविद्यालय के कुलपतियों और रजिस्ट्रार को आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस बाबत पत्र जारी किया गया है।
लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, 8 जनवरी से गांव-गांव जाएगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए सुक्खू सरकार सोमवार से गांवों में जाएगी। 8 जनवरी से 12 फरवरी तक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम चलाएगी। इस बाबत सभी कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों और कांग्रेस विधायकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान गांवों के क्लस्टर बनाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा। लोगों की समस्याओं को मौके पर निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 और 9 जनवरी को जिला हमीरपुर में रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नववर्ष के पहले ही दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 जनवरी से पूरे राज्य में सरकार गांव के द्वार योजना शुरू करने को स्वीकृति दी है। इसके तहत 12 फरवरी तक गांवों के दौरे किए जाएंगे। प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में इलेक्शन कमेटी गठित, 20 नेताओं को किया गया शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित 20 नेताओं को शामिल किया गया है। इलेक्शन कमेटी में विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, ठाकुर कौल सिंह, रामलाल ठाकुर, कुलदीप कुमार, कुलदीप राठौर, जगत सिंह नेगी, चंद्र कुमार, कर्नल धनीराम शांडिल, राजेंद्र राणा, विनय कुमार और सुधीर शर्मा को शामिल किया गया है। इनके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, NSUI अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। IIP के सुझाए 20 किलो के यूनिवर्सल कार्टन में होगी सेब पैकिंग, अधिसूचना जल्द। हिमाचल प्रदेश में सेब पैकिंग के लिए इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल होगा। शनिवार को कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो के तहत कृषि सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में बागवान और आढ़ती संगठनों ने यूनिवर्सल कार्टन लागू करने पर सहमति जताई। भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई की ओर से सुझाए मानकों पर यूनिवर्सल कार्टन तैयार होगा, जिसमें 20 किलो सेब पैक होगा। कृषि सचिव सी पालरासु की बैठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में बागवान और आढ़ती संगठनों ने जल्द अधिसूचना जारी कर टेलीस्कोपिक कार्टन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, ताकि कार्टन को लेकर कोई भ्रम ना हो। मनाली की निशा ठाकुर के सिर सजा विंटर क्वीन 2024 का ताज, कोहिनूर व भव्या बनी रनर अप। विंटर कार्निवल मनाली में मनाली मनोरंगशाला के मंच पर शनिवार रात 12 बजे तक शरद सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में 15 प्रतिभागियों ने माइनस डिग्री गाउन राउंड रैंप पर कैटवॉक कर हुस्न के जलवे बिखेरे। 2024 विंटर क्वीन का ताज मनाली की निशा ठाकुर के सिर सजा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सख्त हुए नियम, डोप टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में नया बदलाव किया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के लिए 15 दिन में आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही पुलिस भर्ती का ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक 9 अगस्त 2021 के नियमों को तब्दील कर नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत कांस्टेबल की भर्ती का जिम्मा अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या सरकार द्वारा तय एजेंसी पर होगा। इससे पहले कांस्टेबल की भर्ती पुलिस मुख्यालय करता था। नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरंभ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए अभ्यर्थी का डोप टेस्ट किया जाएगा। डिग्री डिप्लोमा के साथ विद्यार्थी कर सकेंगे शॉर्ट टर्म कोर्स, UGC ने जारी की नई गाइडलाइन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से उच्च शिक्षण संस्थानों में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। यह सर्टिफिकेट कोर्स 12 क्रेडिट से 30 क्रेडिट तक के होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार ये शॉर्ट टर्म कोर्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकेंगे। नए सत्र में छात्रों को ये सुविधा मिल सकती है। ये कोर्स 3 से 6 महीने के होंगे। गाइडलाइन के अनुसार शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए हर वह स्टूडेंट एलिजिबल होगा जिसने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया होगा। नई गाइडलाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार की गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें किसी वजह से स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी है, वे भी इसी कोर्स की मदद से अपने स्किल को बढ़ा सकेंगे। आज का सुविचार, दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वैसे बन जाएं जैसा हम होने का दिखावा करते हैं।
तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।